इन दिनों गुना जिले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मावा, दूध, दही, पनीर की खपत 3 गुना बढ़ गई है। हालांकि उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसे में डिमांड के आधार पर आपूर्ति करने और 4 गुना मुनाफा कमाने के लालच में मिलावट का कारोबार और जोर पकड़ने लगा है। मिलावट का काम शहर के अलावा उससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। मिलावटी मावा, दूध, दही, पनीर आदि का कारोबार नामी गिरामी डेयरियों में सप्लाई हो रहा है। दरअसल बात यह है कि बाजार से मावा लेने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो क्वालिटी के नाम पर अधिक राशि चुकाकर जो मावा खरीद रहे हैं वो पूरी तरह मिलावटी है। शहर के लोग बताते हैं कि इन दिनों शहर के साथ तहसील स्तर पर बड़ी तादाद में मिलावटी मावा, दूध, दही बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि मावा बनाने वाले लोग पकड़ने के डर से यहाँ पर इस तरीके का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोरी में मिलावटी मावा भरकर बोरी साइकिल पर रखकर संबंधित मावा खरीदने वाले व्यापारी तक पहुंचाते हैं। पक्के बिल के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर आपको पक्का बिल दिया जाता है तो महंगे दामों में मावा व अन्य खाद्य पदार्थ मिलेगा। इसके विपरीत साधारण पर्ची पर ले जाने पर आपको सस्ता और मिलावटी, जिसे टिकाऊ कह सकते हैं, वो आपके पास भेजा जाएगा। इसके चलते लोग दूध और मावा बनाने वाली डेयरियों को ऑर्डर देते हैं, लेकिन कभी उन्हें उल्टा कार्रवाई से भुगतना पड़ता है। सिंथेटिक दूध बेचने वाले डेयरी संचालक लोगों की सेहत बर्बाद कर रहे हैं। अनजाने में सिंथेटिक दूध पीने से युवाओं की किडनी, लीवर की परेशानी हो रही है। दूसरी ओर मिलावटी सामग्री के इस्तेमाल से तमाम प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। सिंथेटिक दूध में यूरिया, डाई, डिटर्जेंट जैसे अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। गर्मी का सीजन होने के कारण इन दिनों दूध की मांग बढ़ गई है, लेकिन शहर व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूध के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा है। हलवाई जहां मिलावटी मावा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं घर घर में पाउडर और रिफाइंड से तैयार दूध सप्लाई किया जा रहा है। मिलावट के इस कारोबार से न केवल आमजन की सेहत को खतरा है, बल्कि स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस संबंध में जब फूड इंस्पेक्टर मनोज रघुवंशी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूध पनीर की आवाजाही हो रही है, वहां पर कार्रवाई कब होगी ये पता नहीं है।